मणिपुर में हुई हिंसा और हिंसा के दौरान दो आदिवासी महिलाओं को साथ में अमानवीय कृत्य और आदिवासियों की हत्या के विरोध में माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इम्फाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मणिपुर के सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पुतले का दहन किया और मणिपुर केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जयस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश डामो ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली कि मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं को नग्न कर रोड पर घुमाया जा रहा है। यह हमारे आदिवासी समाज के लिए, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। कितना भयानक कुकृत्य लोगों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ किया गया। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। जोहार, आज जयस रानापुर ने मणिपुर में हुई हिंसा और हिंसा में आदिवासी महिलाओं के साथ जो घोर कुकृत्य किया गया है, वहाँ की भीड़ के द्वारा उन्हें नग्न करके रोड पर घुमाया, उनके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की गई, ये कितना अमानवीय कृत्य है, इसके विरोध में जयस रानापुर ने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं राज्यपाल महोदया को दिया है और मांग की है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया और राज्यपाल महोदया कि आप भी आदिवासी समाज से आते हैं, आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप अपने समाज की रक्षा करें। इस संबंध में क्योंकि ये घटना हमें जहां तक ज्ञात हुआ है कि 3 मई की है, 3 मई से आज तक 2.5 महीने होने के बाद वहां के आरोपियों को कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पर कई लोग आदिवासियों को मार दिया गया है, कई लोग घायल है। वहाँ के आदिवासी जितने भी निवासरत हैं वह अपनी जगह छोड़कर कहीं भी अन्य जगह पर बसने को मजबूर हो गए हैं, छुपने को मजबूर हो गए हैं। इतना घोर कृत्य किया गया फिर भी सरकारें चुप है, इसके विरोध में जयस ने आज मणिपुर सरकार का पुतला दहन भी किया है और सरकार से मांग की है कि वहाँ की जो भी आरोपी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरी में सर्व आदिवासी समाज एवं जयस संगठन को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।